नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में नई जानकारी सामने आई है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने इसकी तरफ कदम कैसे बढ़ाया, आइए जानते हैं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक जो भारतीय रेलवे पटरी को बना देगी, जापान से भी ज्यादा तूफानी जे स्लैब शिप ने बना दिया पटरियों को ब्लास्ट लैस, जिस पर चलकर भारतीय बुलेट ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन का बन जाएगा बाप। भारतीय रेलवे का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बड़े एक्शन में आ गई है। जो अभी तक रुके हुए प्रोजेक्ट थे वह बड़ी तेजी से तूफानी रफ्तार पकड़ लिए हैं। पहले ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देखने को मिल गया है। अब ट्रैक इस 508 किलोमीटर के क्षेत्र में कहां कहां पर बिछाया जा रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके कंस्ट्रक्शन में, उन सब पर भारतीय रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट सामने निकल कर आ गया है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन अभी एक और नई जानकारी सामने आई है। दरअसल 20 दिन की एक बड़ी ट्रेनिंग चल रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, जिसमें जापानी इंजीनियर ने हमारे इंजीनियर की टीम को पूरी तरीके से समझा दिया है कि कैसे एस फॉल्ट मोर्टार और जे स्लैब की मदद से इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक आधुनिक ट्रैक तैयार किया जाता है। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में जो जापान से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, इस नए नवेले ट्रैक को बनाने की, वह पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुकी है और अब हमारे भारतीय इंजीनियर ट्रैक को बनाने में पागलों की तरह जुट चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो यह ट्रैक देख रहे हैं, ये सिस्टम है जो कि स्पेशली जापानी लोग यूज करते हैं अपनी बुलेट ट्रेन श्रीकांत सेन टेक्नोलॉजी के लिए, और यह ट्रैक फाइनली भारत में भी बिछाया गया है। यह ट्रैक देखने में बेहद एडवांस लगता है। और यह रहा स्लैब जो कि इसमें उसे होगा, जिसको जापान में जे स्लैब कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जे स्लैब ट्रैक सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या खासियत है और ये बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में कैसे मील का पत्थर साबित होगी। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। देखिए, जो स्लैब ट्रैक सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इसमें जो रेल फसनर्स और ट्रैक स्लैब है ये तो कॉमन है। सबसे पहले बात करते हैं आरसी ट्रैक बेड की, जो कि वायाडक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिसकी मोटाई करीब 300 मिलीमीटर और चौड़ाई 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी में करीब 30 मीटर ट्रैक बेड का निर्माण किया जा चुका है। अब यहाँ पर ट्रैक स्लैब रखने से पहले ऊपर बिछाया जाता है CAM यानी सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टार। ये एक तरह का ऐसा पदार्थ है जो कि सीमेंट मोर्टार और एस्फाल्ट इमल्शन से मिलकर बना है। इसके अंदर सीमेंट मोर्टार की स्ट्रेंथ मौजूद है और एस्फाल्ट इमल्शन की फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर यह फ्लेक्सिबिलिटी तब काम आएगी तब तेज स्पीड पर चल रही बुलेट ट्रेन जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, तब वह वाइब्रेशन ये अब्जॉर्ब कर लेगा और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा। यह ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच गड्ढे का काम करेगा, जिसकी वजह से ना तो पटरियों पर कंपन होगा और ना ही सफर के दौरान यात्रियों को झटके महसूस होंगे, क्योंकि यह सीमेंट मोर्टार से बना हुआ है। तो इस तरीके से तैयार किया जाएगा और उसके बाद ट्रैक स्लैब डाल दिया जाएगा और ट्रैक स्लैब के ऊपर रेल के ट्रैक डाल दिए जाएंगे और ट्रैक पर पटरी बिछाने के साथ साथ रेल फास्टनर से पटरी को कसा जाता है, जो यू आकार का होता है। इस तरह 6 लेयर की बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार होगा। अगर वायाडक्ट की बात करें तो 170 किलोमीटर के आसपास काम हो चुका है। 308 किलोमीटर का यहां पर पियर खड़े करने का काम हो गया है और पियर फाउंडेशन का काम 303 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे NHRCL का अभी करंट जो वीडियो आया है, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि मुंबई में स्टेशन होने वाला है, वहां पर अभी भी खुदाई का काम चल रहा है। ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। अब बात करते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाफ्ट नंबर 1 की, जहां पर ऑलरेडी खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर लगभग 36 मीटर तक की खुदाई होनी थी और शाफ्ट नंबर 2 विखरोली में, यहां पर भी खुदाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे शाफ्ट नंबर 3 जो कि होने वाला है सांवली नवी मुंबई में, यहां पर अभी खुदाई काम चल रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए एक ऐतिहासिक टनल पर भी खुदाई
सफाई का काम चल रहा है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी टनल होगी। महाराष्ट्र में थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट में पियर खड़े करने का काम यानी पियर फाउंडेशन का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। वही वलसाड़ में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है। वापी में अभी स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरीके की होगी। इसके बाद वलसाड़ और उसके आगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से शुरू हो जाता बायोडेक्ट, जिसके ऊपर ट्रैक बिछाने का काम आगे शुरू होगा। यहाँ पर औरंगा रिवर के ऊपर भी वायाडक्ट के साथ में पुल तैयार है। अब बीच बीच में कई जगहों पर दोबारा से आप देख पा रहे होंगे वायाडक्ट नहीं है, बिलिमोरा स्टेशन पर। देखिए आप लोग किस तरीके से काम चल रहा है। इसके आगे फिर से वायाडक्ट आ जाता है और इसके आगे अंबिका रिवर जो है इसके ऊपर वायाडक्ट बिछा दिया गया है। पूर्ण रिवर अब आ गई है, इसके ऊपर ही वायाडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। एक टाइम पर यहाँ पर वायाडक्ट नहीं थे, तो यह भी जल्दी हो रहा है। और इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे साइड में किस तरीके से नॉइज बैरियर का काम भी अभी पूर्ण रिवर के आगे चल रहा है। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कहाँ पर ट्रैक बेड बिछाया जाना शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, सूरत जिला में ट्रैक डालने का काम शुरू हो चुका है और ट्रैक बिछाने की ट्रेनिंग भी लगातार इंजीनियर की टीम को दी जा रही है। आगे देखिए, अभी बीच बीच में कई जगह पर वायाडक्ट का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसके लिए कई अलग अलग कंपनियों को प्रोजेक्ट दिया गया है, जो कि अपने हिसाब से वह इस काम को कंप्लीट कर रही हैं। अब आप सूरत स्टेशन की बिल्डिंग भी देख पा रहे होंगे, किस तरीके से इस पर भी काम चल रहा है। अब सूरत जिला में तापी रिवर पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब भी पिलर खड़े करने का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहराइच भरूच में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि नर्मदा रिवर के ऊपर फाउंडेशन का काम अभी भी जारी है और यह अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर तापी रिवर और नर्मदा रिवर की बात करी जाए तो ये दूसरी नदियों के मुकाबले ज्यादा चौड़ी भी हैं। इसीलिए यहाँ पर फाउंडेशन का काम तो बड़ी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाया है। भरूच में भी अभी काम चल ही रहा है, अब वडोदरा में पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल यही देखने को मिल रहा है कि जो वायाडक्ट का काम है वह हर जगह चल ही रहा है, और यह देखने को मिला है कि वायाडक्ट पूरी तरीके से बीच में कनेक्ट नहीं है। आगे चलकर बड़ोदरा जिला में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी ट्रैक बेड बिछाया जा रहा है, यानी ट्रैक का काम बड़ोदरा में भी चल रहा है। माही रिवर भी एक चौड़ी नदी है और यहाँ पर भी अभी फाउंडेशन का काम जारी है। आनंद जिला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी नॉइज बैरियर लगाने का काम जारी है। खेड़ा जिला में अभी यहां पर स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया था। आनंद स्टेशन का काम भी अभी इनिशियल स्टेज में ही है, इसका स्ट्रक्चर अभी तैयार किया जा रहा है। और अब अहमदाबाद, जो कि एक डेस्टिनेशन भी होने वाला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, यहां पर अहमदाबाद स्टेशन पर भी काम जारी है। वायाडक्ट बचाने का काम यहाँ पर काफी हद तक हो चुका है। इसके साथ में ही यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास साबरमती एक पैसेंजर टर्मिनल हब जो होने वाला था, उसकी बिल्डिंग काफी ज्यादा सुंदर बनी है, वह भी तैयार हो चुका है। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है, जल्दी यह कंप्लीट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2026 में एक छोटा सा क्षेत्र बुलेट ट्रेन के लिए ट्रायल के लिए खोला जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।